आईपीएल 2024 शुरू होने में अब कुछ ही महीने बचे हैं। इस आईपीएल में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिसके चलते ये आईपीएल सीजन और भी दिलचस्प होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी के लिए भी ये सीजन काफी अहम होने वाली है। पिछले सीजन में धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई की टीम को चैंपियन बनाया था। इस सीजन भी भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने धोनी को सरप्राइज दे दिया है। जी हां, दरअसल रिटायर्ड आईपीएस अफसर जी संपत को धोनी के खिलाफ आईपीएल में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने के मामले में राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड आईपीएस अफसर जी संपत को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा 15 दिन की सजा देने के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए समझते हैं। तमिलनाडु के रिटायर्ड आईपीएस अफसर संपत कुमार ने महेंद्र सिंह धोनी पर एक बड़ा आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी पर इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में फिक्सिंग का आरोप लगाया था। जिसके बाद यह मामला मद्रास हाईकोर्ट में पहुंचा और धोनी ने संपत कुमार पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में संपत कुमार को मद्रास हाईकोर्ट ने 15 दिन की सजा दी थी, हालांकि अब इस सजा पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने संपत कुमार को जेल जाने से रोक दिया है। बता दें कि संपत कुमार ने साल 2013 आईपीएल के दौरान सट्टेबाजी में शामिल लोगों की शुरुआती जांच की थी, हालांकि बाद में उन्हें इस केस से हटा दिया गया था। फिक्सिंग में संपत कुमार ने जब महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया तो धोनी ने इस पर मानहानि का केस लगा दिया। गौरतलब है कि संपत कुमार पर रिश्वत लेकर आरोपियों को छोड़ने का भी आरोप लग चुका है। धोनी की बात करें तो उन्हें आखिरी बार पिछले साल मई में आईपीएल के दौरान एक्शन में देखा गया था, जब उन्होंने फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर सीएसके को 5वीं बार चैंपियन बनाया था। पर अगले कुछ महीनों में उनका रिहैब भी पूरा हो गया। अब उन्होंने आईपीएल के आगामी सीजन की तैयारी के लिए रांची के झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में नेट्स पर बल्लेबाजी अभ्यास करना शुरू कर दिया है। जल्द ही वो एक बार फिर से आईपीएल में कमाल करते नजर आने वाले हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।